दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें आने वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है उनके यहाँ पर टाइम टेबल है, और कुछ टाइम टेबल में जरूरी निर्देश दिए गए, उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो क्या क्या चेंज किए गए वो सारी चीज़ बताऊंगा, और कुछ रुके गए रिजल्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट के जारी हुए हैं, वो सारी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, और क्या क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन आए सभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर MSc होम साइंस फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल जारी किया गया है। तो ये जो है टाइम टेबल के अनुसार से 28 दिसंबर बुधवार से चालू होगा। MSc होम साइंस फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का पहला पेपर होगा 28 दिसंबर को रिसर्च मैथडोलॉजी, और 31 दिसंबर को फिजियोलॉजी, 3 जनवरी को फूड माइक्रोबायोलॉजी, और 7 जनवरी को प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन होगा। यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम है शासकीय DBD के कॉलेज बलौदा बाजार, और इस केंद्र में शामिल होने वाले अन्य जो कॉलेज है उनका नाम है शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय बलौदा बाजार, ठीक है। इसके जो है एडमिट कार्ड आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा, या फिर जो परसू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है persuunivi.in पर जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने जो यूजर ID और पासवर्ड की मदद से। उसके बाद यहाँ पर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ब्रिज कोर्स फॉर नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर टाइम टेबल जारी किया गया है। यहाँ पर टाइमिंग 11 से 2 बजे रहेगा, 27 जनवरी से स्टार्ट होगा, और पहला पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल होगा, और उसके बाद 30 जनवरी को एक पेपर होगा प्रोग्रामिंग इन सी। उसके बाद अगला जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है इसमें जो है संशोधित अधिसूचना है, तो MSc IT इसके लिए जो टाइम टेबल है 22 नवंबर को आया था, तो उसमें जो पेज नंबर 2 था, मैंने पहले टाइम टेबल आपको बताया हूँ, आप लोग उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो उसमें MSc IT फर्स्ट सेमेस्टर का मुख्य एटीकेटी नया पाठ्यक्रम, इसकी जो परीक्षा है 31 दिसंबर को शनिवार के दिन आयोजित होने वाली है। तो उसमें MSc IT इसका पेपर कोड रहेगा 102 RDBMS और ओरेकल के स्थान पर उसको जो चेंज किया गया है MSc IT 102 RDBMS SQL, ठीक है। तो ओरेकल को हटाकर SQL किया गया है, तो आप ओरेकल ना होकर SQL होगा, ठीक है। और 10 जनवरी को मंगलवार के दिन दो पेपर होने वाला था MSc IT का ही, पेपर कोड था 105, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया है, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, तो अब जो है ये चेंज किया गया है, ठीक है। तो किसी को जानकारी ना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उनको ये पता चले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा 2021-22 के यहाँ पे रिजल्ट जारी किए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला जो रिजल्ट है BA सेकंड ईयर मार्च अप्रैल 2022 का है, सेंटर है राजीव गांधी कॉलेज सिमगागा, और इसमें एक स्टूडेंट का रुक के रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद इसी सब्जेक्ट के लिए दूसरा जो कॉलेज है लेट श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह गवर्नमेंट कॉलेज सरायपाली, इसके में से भी एक स्टूडेंट है, और गवर्नमेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य PG कॉलेज महासमुंद, इसमें भी एक स्टूडेंट है। उसके बाद BSc फर्स्ट ईयर मार्च अप्रैल 2022 का रिजल्ट है, सेंटर है श्री कुलेश्वर महादेव गवर्नमेंट कॉलेज गोबरा नया पारा रायपुर। तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं BSc फर्स्ट ईयर के जिनका यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया, उसमें मार्क्स को करेक्ट करके इनका रिजल्ट जारी किया गया। ढेर सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ था शायद, तो इतने सारे यहाँ पे स्टूडेंट का मार्क्स को करेक्ट करके रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। देखिए बहुत संख्या में लगता है पूरे कॉलेज के स्टूडेंट इसमें आ चुके हैं BSc पार्ट 1 मार्च अप्रैल 2022 के, तो सभी का मार्क्स यहाँ पर करेक्ट करके रिजल्ट दिया गया है। हो सकता है बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो सारे के सारे स्टूडेंट का यहाँ पर विथहेल्ड करके आज जाके रिजल्ट मार्क करेक्ट करके दिया गया है। उसके बाद
एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, फोर्थ सेमेस्टर मई जून 2021 का रिजल्ट है। सेंटर है संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट कॉलेज कुरु से। तो ये जितने भी मैंने नोटिफिकेशन आपको बताए सारे का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।